दुनिया में करीब 100 करोड़ हिंदू हैं और मोस्टली लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ मंदिर जाना ही इसका मूल आधार है। दूसरे धर्म के लोग भी इसके बारे में यही समझते हैं, पर जो असली हिंदू होगा ना, असली सनातनी होगा, जो इसकी साइंस को जानता होगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। इसकी साइंस क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसकी साइंस इतनी गहरी है कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्वांटम फिजिसिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट ने हिंदुइज्म के वेद उपनिषद पढ़े हैं, अध्ययन किया है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके नील्स बोर, एरविन स्क्रॉन्डिंगर, वर्नर हाइजनबर्ग और निकोला टेस्ला का नाम भी आता है। इन्होंने अपने टाइम में वेदांता फिलॉसफी पढ़ी थी। हिंदुइज्म का असली नाम है सनातन धर्मा। धर्मा का मतलब यहाँ पे रिलीजन से नहीं है, धर्मा का मतलब यहाँ पे है नियम, कुछ लॉज। उन लॉज के बारे में बात कर रहा है जो फिजिकल नहीं है बट उनके हिसाब से सबकी लाइफ गवर्न होती है। हिंदुइज्म तो नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता से शुरू हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नदी के किनारे थी जिसका नाम था सिंधु नदी। और क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग हिमालय और इंदू सागर, इंडियन ओशन के बीच में जो लोग रहते थे, उनको बाहर वाले लोगों ने हिंदू बोलना शुरू कर दिया, तो वहां से नाम पड़ गया हिंदुइज्म। अब इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि अगर तुम 10 हिंदुओं को खड़ा कर दोगे और उनसे पूछोगे कि भाई तुम किस चीज में बिलीव करते हो, तो आपको 10 अलग अलग जवाब मिलेंगे, डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। क्यों? क्योंकि कोई भी इसका एक सिंगल फाउंडर नहीं है लाइक अदर रिलीजन्स। इसमें कुछ लोग किसी चीज में मानते हैं, कुछ लोग किसी चीज में मानते हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से भी ये डिफर करता है। इस सब के बावजूद भी हिंदुइज्म में एक कॉमन विचारधारा है और वो बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से तीन चीजों को समझाती है, गॉड कौन है, इंडिविजुअल कौन है और ये वर्ल्ड क्या है। तो वो ऐसे है कि एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, इसको जाति वाला ब्राह्मण मत समझना, वो अलग है, वो कास्ट है, और ब्रह्मा भी मत समझना, क्रिएटर, वो भी अलग है, BRAHMAN, एक ब्राह्मण होता है, ऑल परवेडिंग एनर्जी, जो सब कुछ है, वहीं से शुरुआत है और वहीं से अंत है, वो ना कभी आया और ना कभी गया, वो हमेशा है, ट्रू रियलिटी ऑफ थिंग्स, ये शेपलेस है, बॉडीलेस है, जेंडरलेस है, कलरलेस है, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। तो ये है ब्राह्मण, परमात्मन। अब इस ब्राह्मण की इटर्निटी को समझने के लिए एक श्लोक है संस्कृत में, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदचयते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका सिंपल मतलब है, इनफाइनाइट हैज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, एंड फ्रॉम दैट इनफाइनाइट, इवन इफ ए इनफाइनाइट इज टेकन आउट, इट रिमेन्स इनफाइनाइट। मतलब वो इनफाइनाइट है, अनंत है, उसमें से अगर इनफाइनाइट भी निकाल दोगे तो भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, अनंत ही रहेगा। ये है ब्राह्मण, परमात्मन। अब इस ब्राह्मण में से, इस परमात्मन में से निकलते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जिसे बोलते हैं आत्मन, जो आप में है, मुझ में है, पशुओं में है, पेड़ पौधों में है, उनमें प्राण है, लाइफ फोर्स, एनर्जी है, स्पीसीज दैट कम्स आउट ऑफ ब्राह्मण, ये एनर्जी है, E=MC², आइंस्टाइन ने जो बताया था वही सेम चीज। अब ये आत्मन एंटर करता है माया में, माया मतलब प्रकृति, ब्राह्मण सोर्स ऑफ क्रिएशन है और प्रकृति प्रीमोडियल मैटर एंड एक्टिवेटिंग एनर्जी है, यानी कि नेचर और क्रिएशन इटसेल्फ, पुरुष प्रकृति, शिव शक्ति, कॉस्मिक फादर कॉस्मिक मदर, जगत पिता जगत माता, मैस्कुलिन प्रिंसिपल एंड फेमिनिन प्रिंसिपल, पुरुष क्रिएशन का सोर्स है और प्रकृति खुद क्रिएशन है। अब ब्राह्मण से प्रकृति निकली है, ब्राह्मण से माया निकली है, ब्राह्मण इन्फाइनाइट है, माया भी इन्फाइनाइट है, पुरुष इन्फाइनाइट, प्रकृति भी इन्फाइनाइट, दैट इन्फाइनाइट प्रोसीड्स फ्रॉम द इन्फाइनाइट, अनंत से ही अनंत निकलता है, एंड इट स्टिल रिमेन्स द ब्राह्मण, स्टिल रिमेन्स इन्फाइनाइट। तो ब्राह्मण इज इन्फाइनाइट, यूनिवर्स इज इन्फाइनाइट। अब ये यूनिवर्स जो ये क्रिएट हो रखा है, प्रीमोडियल मैटर, ये माया है, ब्राह्मण की माया, या कह लो शिव की माया। अब आत्मन को बॉडी मिली है, तो आत्मन ड्राइवर है और ये बॉडी एक कार की तरह है, एक कार नहीं चल सकती विदाउट द ड्राइवर, समझ रहे हैं? सिमिलरली इस बॉडी नहीं चल सकती विदाउट द आत्मन। आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये वही एनर्जी है, वही आत्मन है। जब ये माया में या प्रकृति में एंटर करती है तो ये मैटर एक्वायर कर लेती है, बॉडी एक्वायर कर लेती है। आत्मन इज सराउंडेड बाय फिजिकल स्ट्रक्चर,
कॉल्ड बॉडी। अब आत्मन अपने आप को रिवील करती है कॉन्शियसनेस के थ्रू, चेतना के थ्रू, और ये कॉन्शियसनेस या चेतना इंटरेक्ट करती है बॉडी के साथ, बॉडी इंटरेक्ट करती है माया के साथ, प्रकृति के साथ, और ये इंटरेक्शन होता है तीन तरीकों से, या सात्विक गुणों से, या राजसिक गुणों से, और या तामसिक गुणों से। हर इंटरेक्शन में कर्म जनरेट होता जाएगा। अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो पॉजिटिव कर्म जनरेट होगा, और बुरा करोगे, बुरा सोचोगे तो नेगेटिव कर्म जनरेट होगा। अब ये जो आत्मन है, एनर्जी है, इसके लिए श्लोक है जो गीता में कृष्ण ने बोला है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लदयन्ते आपो न शोषयति मारुत। ना शस्त्र आपको काट सकता है, ना अग्नि आपको जला सकती है, ना जल आपको गीला कर सकता है, और ना ही हवा आपको सुखा सकती है। आत्मा अमर है, अजर है, सर्वज्ञ है, सनातन है। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। और जब ये आत्मन माया में एंटर करता है, तो इस माया के अंदर आपका साइकिल स्टार्ट हो जाता है कर्म का। मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है लॉ ऑफ कर्मा, मतलब आत्मन ने यहाँ पे एंटर किया और उसका कर्म साइकिल स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये आत्मन ने माया में एंटर किया, यहाँ पे जन्म हुआ, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बार बार जन्म होता रहेगा, बार बार मरते रहेंगे, बार बार जन्म होता रहेगा, मरते रहेंगे। ये इसकी कोर फिलोसफी है। अब जिस तरीके से फेसबुक के सर्वर होते हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि कहां से आया, कितने बजे आया, क्या क्लिक किया, क्या लाइक किया, क्या कमेंट किया, क्या लाइक करके अनलाइक किया, ये सारी चीजें वो जैसे वो रिकॉर्ड करता है, इसी तरीके से माया में इनविजिबल सर्वर्स लगे होते हैं जो हर चीज को नोट कर रहे हैं। कॉस्मिक रजिस्टर्स में आपका एक एक कर्म नोट होता है, रजिस्टर्स में चढ़ता जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस बनता चला जाता है। जब शरीर की मृत्यु होती है, उस समय आत्मा का जो भी विचार रहता है और उसके कर्म कैसे थे, उसके हिसाब से अगला जन्म डिसाइड होता है। अब देयर आर सिक्स कैटेगरीज जिसमें जन्म होता है, और ये इवोल्यूशन के हिसाब से हुआ है। अब छह तरीके की रियलिटी है इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में। पहली है एक्वेटिक, सारे पानी वाले। दूसरी है इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, रेंगने वाले छोटे कीड़े मकोड़े। तीसरी है प्लांट्स। चौथी है एनिमल्स। पांचवी है बर्ड्स। और छठी है ह्यूमंस। अब सनातन धर्म ये बिलीव करता है, सनातन का मतलब है इटर्नल, टाइमलेस। उसमें ये बिलीव है कि जो ह्यूमंस हैं, सिर्फ वो ही कर्म जनरेट करते हैं, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर कुत्ता बिल्ली हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ। वो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स के आधार पे काम करते हैं, उनका कर्मा जनरेट नहीं होता, उनका कर्मा काउंट नहीं होता है। तो नेगेटिव कर्म जनरेट करोगे तो नीचे की दुनिया मिलेंगी, नीचे के रियलिटीज मिलेंगी, और नीचे सिर्फ कोई कर्म जनरेट नहीं हो सकता है, वहाँ सिर्फ कर्म भोग सकते हो, वहाँ कोई कर्म जनरेट नहीं होता है। तो अभी तुम्हें ह्यूमन बर्थ मिला है, तो तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे थे, इसलिए तुम इंसान बने, क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस के पास फ्री विल है, चॉइस है कर्म जनरेट करने की। ये हिंदुइज्म के बेसिक थॉट्स हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तो अभी तक आए भी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हिंदुइज्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना है, भक्ति करना है, इसकी पीछे की साइंस क्या है उसको जानो। और ये सबसे पुराना रिलीजन होने के बावजूद भी आज तक इसीलिए खड़ा है क्योंकि ये सनातन है, टाइमलेस है, इसको कोई मार नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर लो इसको मारने की, फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक विचार है। और यही एक रीजन है कि ये आज तक भी जिंदा है, बाकी कितने धर्म आए और खत्म हो गए, बट ये आज भी सबसे पुराना होने के बावजूद भी 100 करोड़ लोग इसे फॉलो करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आत्मा के कर्म के हिसाब से अगला जन्म मिलता है, तो अब जो ह्यूमन लाइफ मिली है, इसमें अच्छे कर्म कर लो वरना नीचे जाओगे, अपना कार्मिक बैलेंस सुधार लो, और नीचे जाओगे तो केवल बुरे कर्म खत्म होते जाएंगे, नए कर्म अन नहीं हो सकते क्योंकि चॉइसेस नहीं है। और अगर आत्मा के कर्म अच्छे हैं तो आपको ये सेंट्रल फिलॉसफी समझ में आएगी, तो कुछ नॉलेज एक्वायर करने के बाद और कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप एक साइकिल में फंस गए हैं, आपकी डेस्टिनी कहाँ है। तब आप पूरी पावर लगाएंगे इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए और अल्टीमेटली मोक्ष अटेन करने के लिए। और मोक्ष सिर्फ मरने के बाद अटेन नहीं होता है, मोक्ष यहाँ रहते रहते मिल जाता है। जब आप ये अच्छे कर्म और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं, निष्काम कर्म करने लग जाते हैं, तो आपको यहाँ रहते रहते मोक्ष मिल जाता है। आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आप आत्मा हैं, और ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। अद्वैत वेदांता के अकॉर्डिंग तत्त्वम असि दैट दो आर्ट, मतलब आत्मन इज ब्राह्मण,
आत्मा ही परमात्मा है, उसी का हिस्सा तो है, वही तो है। और मोक्ष अगर मिल गया तो आप वापस चले जाएंगे ब्राह्मण के पास, जहां से आप आए थे, परमात्मन के पास, विच इज द रियलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। बट हर कोई इस चीज के लिए अवेयर नहीं हो सकता। जो अवेयर नहीं हो सकता उनके लिए एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ चलता रहेगा। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस संसार, दिस वर्ल्ड इज ए माया, टेम्परेरी मटेरियल रियलिटी विच कंफ्यूजेस आत्मन। ये माया आत्मा को कंफ्यूज कर देती है, और ये टेम्परेरी मटेरियल रियलिटी है, ये सच्चाई नहीं है। माया का मतलब है दैट विच इज नॉट, जो है ही नहीं। और जो लोग इसे नहीं समझ पाते वो राजसिक और तामसिक कर्मों में बंध जाते हैं और अल्टीमेटली कोई मुक्ति नहीं मिलती उन्हें। अब एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये यूनिवर्स खुद से क्रिएट होता है, नर्चर होता है और डिस्ट्रॉय होता है। दिस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय 21st सेंचुरी साइंटिस्ट। बिग बैंग, यूनिवर्स एक्सपेंशन एंड देन बिग क्रंच। बट ये नॉलेज तो हिंदुओं ने 10,000 साल पहले निकाल दी थी कि यूनिवर्स क्रिएट होगा, एक्सपैंड होगा और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगेन क्रिएट होगा, एक्सपैंड होगा और अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगा। माया हिस्सा है इस यूनिवर्स के बनने, बढ़ने और बिगड़ने का। संसार, माया जो इस ब्रह्मांड के अंदर है, वो चार साइकल्स के अंदर चल रहा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जिसकी रेशो 4:3:2:1 की है, कि जितना टाइम कलयुग का लगेगा उससे 4 गुना सतयुग का होगा, 3 गुना त्रेता का होगा और 2 गुना द्वापर का होगा। अब ये चक्रियां चल रही हैं, इन चक्रियों के अंदर आत्मन की चक्रियां चल रही हैं, लाइफ एंड डेथ की, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ। तो दो चीज कंटिन्यूअसली इसके अंदर साथ ही साथ चल रही हैं। बड़ा युगा साइकिल चल रहा है, यूनिवर्स बन रहा है, बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है, और साथ ही साथ माया के अंदर आत्मन के साइकिल चल रहे हैं। एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि 2012 में ये कलयुग खत्म हो चुका है और हम दोबारा से द्वापर, त्रेता और सत्यु की तरफ जा रहे हैं। और जो ये टाइम है 2012 से 2032 का, ये अवेकनिंग का टाइम है, जिसके अंदर इस प्लैनेट के ऊपर कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत तगड़ा शिफ्ट आ रहा है, जिसकी वजह से लोग अवेक हो रहे हैं और लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअली में क्या है, आत्मन है, सब आत्मन है और सब एक है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, बट अल्टीमेटली हम सब एक हैं। यही एक रीजन है कि कभी भी हिंदुइज्म ने किसी को कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कन्वर्ट क्या करना, सब एक ही तो है। चाहे वो माने किसी भी चीज को, बट ट्रुथ को चेंज नहीं किया जा सकता, वो एक ही है। तो सिंपली ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ आपके कर्म पे डिपेंड करती है, जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अब इस कंसेप्ट के सिमिलर टर्म्स पे एक मूवी बनी है जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसने इस रियलिटी को ही क्वेश्चन कर दिया कि रियल क्या है, जिसके अंदर नियो, जिसका मतलब है वन, NEO, ONE, मॉर्फियस नियो को यही समझा रहा है पूरी मूवी में कि तुम एक एंडलेस साइकिल के अंदर फंस गए हो, तुम मैट्रिक्स में फंस गए हो, माया में फंस गए हो, और इस साइकिल से निकलना है। तो जब नियो एनलाइटनमेंट अचीव करता है, वो गोलियों को रोक देता है अपनी तरफ आते हुए, सब कुछ कर देता है, वो पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, जो या तो कृष्णा ने अपने टाइम में की थी या राम ने अपने टाइम में की थी। और इस कंसेप्ट को समझने के बाद जब आप वो मैट्रिक्स मूवी देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट भी और वो मूवी भी। तो एक संस्कृत में सेइंग है, ब्राह्मण सत्य जगत मिथ्या, मींस ब्राह्मण इज रियल एंड दिस वर्ल्ड विच यू एक्सपीरियंस थ्रू योर सेंसेस इज जस्ट मिथ। तो जिस दिन आपको ये आत्मा का बोध हो गया, उस दिन आपको मोक्ष अटेन हो गया, आपके ये सारे के सारे भ्रम टूट जाएंगे और आप समझ जाओगे कि आपके अंदर ही है वो ब्राह्मण, आपके अंदर ही है वो परमात्मन। अहम ब्रह्मास्मि जो सिखाया जाता है वो यही है कि तुम ही हो ब्राह्मण, तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ, उसे कहां बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर नहीं मिलेगा, वो अंदर ही मिलेगा। तो इसकी समरी क्या है? इसकी समरी है दैट यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ए टेम्परेरी ह्यूमन एक्सपीरियंस हियर ऑन अर्थ। मतलब आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं और टेम्परेरली इस धरती पे एक इंसानी रूप में अपने जीवन को जी रहे हैं। आप किसी रेस के नहीं हो, किसी देश के नहीं हो, किसी भेष के नहीं हो, यू आर जस्ट ए पार्ट ऑफ दैट ब्राह्मण। अब मैं चाहता हूं कि आप हर किसी को जगाएं, हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में और इस फिलॉसफी के बारे में, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। अगर किसी चीज पे आपको डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उन पे जाके फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं सिमिलर टाइप का कंटेंट इस चैनल पे लाता रहूंगा।
और सोए हुए लोगों को जगाता रहूंगा।